दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आप सब ठीक हो? अल्लाह करे कि आप सब ठीक रहें और इसी तरह मेरे साथ कुदरत के इन नज़ारों को देखते रहें। अभी जिस दरिया के किनारे मैं यहाँ पर हूँ अपने साथी कैमरामैन के साथ, ये इसका शोर आप सुन रहे होंगे हमारे वीडियो में। ये जो इलाका है ये धनुकुंडी मार्ग से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की मसाफत पर है। यहाँ पर जो करीबी जो गांव है ददकुचन और सिनियारी, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं अभी भी बर्फ से अटा हुआ है। फार क्रॉप इसमें बहुत ज़्यादा है, बुदलू जिसको हम कहते हैं, कंजल भी इसमें मौजूद है। और यहाँ से जो रास्ता आगे जाता है, ये रास्ता सिकवास एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँच जाता है। सिकवास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर गर्मियों में हमारी जो चौपान बरादरी के लोग हैं वो गर्मियों में वहाँ पर उनके डेरे होते हैं। और ये जो साइड है यहाँ पर हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग गर्मियों में रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलाका है यहाँ की खूबसूरती का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो, लेकिन अभी तक ये टूरिज़्म के नक्शे पर नहीं आया है। हालांकि बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये जो पानी आप देख रहे हो बहुत साफ और बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी, और हाथ लगाकर छूने से पता चलता है कि कितना ठंडा है, कितना साफ है। दोस्तों, ये जो नज़ारे आप देख रहे हो, ये जो रास्ता आप देख रहे हो कि ये सिकवास जो मैं अभी बोल रहा था आपको वहाँ पर जाता है, तो वहाँ से आगे एक ऊंची जो चोटी है इस इलाके की, हमारे कश्मीर की जो सबसे ऊंची जो पीक्स हैं उनमें से एक पीक है हुनिंग टॉप, जहाँ पर 1967 में एक एयर क्रैश हुआ था जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया था। तो उस एयर क्रैश में उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो जांबाक हो गए थे, उनमें सोपोर के एक समर टाकिस के मालिक जो थे उनका उनका जो बेटा था वो भी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि उन दिनों बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी, फिर उन लाशों को निकालना और वहाँ से फिर लेके आना, और धनुकुंडी मार्ग में उनको वो जमा करते थे और फिर वहाँ से ले जाते थे। तो बहुत ही दिलदोज सानिया हुआ था और जिसकी वजह से वो टॉप जो है वो काफ़ी मशहूर हो गया था। तो जो ट्रैकर्स हैं, जो हाइकिंग करने वाले हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। जब मैं गया था 2 साल पहले तो मैंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो लुसू और पंचन पाथरी का जो इलाका है वहाँ से किया था, और वापसी का जो रास्ता था वो इसी इलाके से और इसी रास्ते से मैं वापस आ गया था। तो ये काफ़ी अच्छा रास्ता है, अगर आप जाना चाहते हो हुनिंग टॉप तो आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हो। सिकवास जाकर आप वहाँ पर ठहर सकते हो और दूसरे दिन वहाँ से आप हुनिंग टॉप के लिए जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प। हमारे कैमरामैन अभी यहाँ पर ये भी नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इनका कि ये हमारे वीडियोज़ की शान बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच सर।